हाँ तो बेल बना दिए भाई, करवा लो ने। ये बेल करते थे पहले काम, आजकल आदमियों से हो रहा है, क्योंकि बेलों की कोई केयर करता है नहीं। या तो आदमियों से कराते हैं या ट्रैक्टर से करो, ट्रैक्टर से कराते हैं पैसे लगते हैं, इस वजह से आदमियों को बना देते हैं बेल। ये भी काम हो रहा है जिसे मेज देना कहते हैं, और ये होता है गेहूँ बुआई के 2-4 दिन बाद, ताकि मिट्टी ऊपर से सूख जाए और फिर उसके ऊपर पानी पिलाते हैं ना, तो क्या मिट्टी अच्छे से फैल जाए जिससे पानी अच्छे से पूरे खेत में पहुँच जाए, मतलब कहीं ऊँचा नीचा ना जाए। ये फंटा कम से कम करीब 25-30 kg का है, लकड़ी का है, और फिर उसमें मतलब 10 kg के करीब ये पत्थर रखा हुआ है, फिर इसको ढके हैं। अब इतना चौड़ा फंटा रही जुते हुए खेत में खींच रहे भाई, बहुत हर काम इतना आसानी, बहुत ताज़ा लग रही है। सर्दियों का मौसम है, दिसंबर का महीना चल रहा है, और मतलब तो तेल निकल रहा है अभी। धान भाई तो सुनो 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 घूम रहा हाँ अरे छोटा चाल रहा अरे उमाम चिता आज बुला माँ चपला कॉल दे चपला अब देख रहे हो ना कितना हाँ देख रहे हो ना यार अब देखो हाँ चपला खोल दा ओ ये से क्यों चल दो 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 भाई। देखने में तो बहुत आसान लग रहा है वीडियो में, लेकिन जब खेलते हैं नहीं तब पता चलता है कितना ताकत लगती है इसमें। बट्टो भी आ रहे थे हैं, बट्टो भी आ रहे थे, बहुत ताकत लगती है। सर्दियों का मौसम है, दिसंबर का महीना है, ये मान लो तेल निकल रहा है खेत में। पर ये एक्सरसाइज शानदार हो रही है इससे। बटन पर गयो ना रख दी हाँ तू पर गयो तो क्या रोज कर ऐसे काम तो आदत पड़ जाती है, लेकिन बटन तो पर गयो तो क्या अचानक करते हैं हम तो वो ताकत लगती है। पत्थर रह गए इधर, पापा ने पत्थर रखा था उसके ऊपर पंडे के ऊपर। गेहूँ बो देने और इसको
बराबर कर रहे हैं ताकि ये पानी अच्छे से चला जाए। ये छोटा सा पत्थर रखने से बहुत ज्यादा धागा लगती है। अच्छा।